sakurate yaseni to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Everyone and welcome to our channel Desi Couple or the Co. और आप देख रहे हैं हमारी इटली की ट्रैवल सीरीज और मैं खड़ी हूँ ब्यूटिफुल बालकनी में और यहाँ है फ्लावर्स, सामने है लेक कोमो और माउंटेन्स और नीचे देख सकते हैं आप रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज. तो इस वीडियो में देने वाली हूँ मैं इस अपार्टमेंट का टूर और शुरुआत तो मैंने ऑलरेडी कर दी है विथ बालकनी. ऐसी बालकनी मुझे चाहिए थी. जब भी मैं इटली आती थी या रहती थी इटली तब ऐसी ब्यूटीफुल सी बालकनी जिसमें फ्लावर्स लगे हो ऐसा चाहिए था और ये ड्रीम फुलफिल हो गया विथ दिस अपार्टमेंट. अपार्टमेंट का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा बट अभी देते हैं अंदर का टूर. लेट्स गो इन. शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल से कर्टन से. बहुत ही अच्छे कर्टन्स एंड आई एम हाईली इंस्पायर्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय दिस कर्टन्स. इसको ऐसे ओपन करो एंड देन यू सी द माउंटेन्स एंड लेक कोमो. ठीक है, इधर है टीवी और हम लोगों ने वैसे टीवी देखा नहीं. वी डिडंट गेट एनी टाइम, पूरा घूमते रहे और सो वी डिडंट गेट एनी टाइम. तो पता नहीं है टीवी में क्या है. ये है हमारी डाइनिंग टेबल, छोटी सी डाइनिंग टेबल. इस अपार्टमेंट में बेस्ट पार्ट था किचन है. वी हैव गॉट किचन, वी हैव गॉट कॉफ़ी मशीन, हॉट प्लेट्स भी थे इसमें. ओह नो, गैस था. देखिए हमने किचन इसका मतलब यूज़ नहीं किया. और ऑफकोर्स इसमें सारे यूटेंसिल्स थे इन ड्रॉर्स में. हाँ, जिस चीज़ का यूज़ किया हमने वो था फ्रिज और उसमें मेरा योगर्ट रखा हुआ है. तो इसे निकाल लेते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि ये मैं सब चीज़ें पैक क्यों कर रही हूँ तो ये जो रूम टूर मैं दे रही हूँ ये तब दे रही हूँ जब हम इस अपार्टमेंट को चेकआउट कर रहे हैं. या एक बेबी सिटर भी था विच ठीक है. और ये है काउच, छोटा सा काउच था. और यहाँ है मिरर्स. और आप सौरभ को भी देख सकते हैं अब. हेलो. और अब आप अगर सोच रहे हैं कि बेडरूम का है तो आप देख सकते हैं ये स्पाइरल सा स्टेयर्स जो ऊपर जा रहा है पूरा. उससे पहले, उस स्पाइरल स्टेयर से ऊपर जाने से पहले ये है हमारा बाथरूम. क्यूट छोटा सा बाथरूम था. एंड नाउ लेट्स गो upstairs to show the bedroom. So ye hai attic mein hamara bedroom. This was our bed. टू बी ऑनेस्ट बहुत ही कम्फर्टेबल था. पिलोज भी बहुत कम्फर्टेबल थे. द वे वी वॉन्ट इट बिल्कुल वैसा था. और ये चेयर देख रहे हैं आप, सिल्वर का, लुक सो प्रिटी. और एक और बेड भी है और वो है ये वाला बेड. तो यहाँ पर आराम से तीन लोग रह सकते हैं एक्चुअली में. सो टू पीपल कैन स्लीप हियर, वन पर्सन कैन स्लीप हियर. और आप पता कर सकते हैं शायद चार भी रह सकते हो. But that's what you have to ask from the owner जब आप book करें. और yeah, I guess, and बहुत अच्छी एक और चीज़ लगी थी which is very important to show is this pebbles.
और ये जो पेबल्स हैं इसके अंदर ना लाइट लगा है, तो अभी अगर ऑन करती हूँ, आई एम नॉट श्योर कि सी दैट वॉज सो ब्यूटिफुल। और यहाँ क्योंकि एटिक है तो यहाँ पे है विंडोज, एंड यू कैन सी द वर्ल्ड आउटसाइड। जैसे हमारे घर में अगर आपने हमारा होम टूर देखा है, हमारे पास बहुत बड़े हैं, हम तो उसमें से पूरा झांक सकते हैं, ये छोटे छोटे से हैं। अगर आप लेक कोमो आते हैं तो आई हाईली रिकमेंड इस अपार्टमेंट को बुक करिए, booking.com पे भी है, Airbnb पे भी हो सकता है। अपार्टमेंट का नाम है दिवीना वीटा, लिख भी दिया है मैंने। इस अपार्टमेंट का बेस्ट पार्ट ऑफकोर्स बालकनी है, और बालकनी से सनसेट दिखता है। और आपको पता ही होगा अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देख रहे हैं कि हम वरैना टाउन के अंदर हैं, तो ये अपार्टमेंट वहीं पर है। एंड आई हाईली रिकमेंड दिस ब्यूटिफुल अपार्टमेंट, और इसका प्राइस वॉज 160 euros पर नाइट। अब जाते हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट इज़ वेरी नॉर्मल, जो आपको हर जगह मिलता है वही ब्रेकफास्ट है, और ब्रेकफास्ट के बाद जाएंगे बेलाजियो। सो लेट्स गो। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं, सो वी आर गोइंग हेल्दी टुडे, फ्रूट प्लेट्स, ऑरेंज जूस एंड लेक कोमो का व्यू। सो सौरभ हैज़ टू गो ऑल द वे अप देयर, इतना सीढ़ी उसने कर लिया है, अब उतना और सीढ़ी बाकी है। और ये हमने जहाँ ब्रेकफास्ट और लंच किया उनके शेफ, दिस इज़ वेयर वी डिड आवर लंच एंड ब्रेक, और नॉट लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट। पहुँच गए हैं फेरी के स्टेशन पे, ये खड़ी है हमारी कार, और ये है दूसरी। तो इधर दो जो लेन्स हैं वो बेलाजियो जाने के लिए, और जो ये दो लेन है ना वो मनाजियो करके कोई जगह है वहाँ जाने के लिए। इधर टाइम टेबल है 12:15 को आने वाली है हमारी, तो इससे जाएंगे और हमारी कार लेकर फेरी आ जाएगी। बात करते हैं प्राइस की, तो लगे हैं 15 euros दो लोगों के मिलाकर कार के साथ। चलते हैं और कार के अंदर ही बैठते हैं और वेट करते हैं फेरी आने का। तो हम हैं अभी यहाँ वरैना में, और हमारी फेरी ऐसे लेक कोमो को क्रॉस करके इधर बेलाजियो में जाने वाली है। वैसे अगर देखेंगे ना तो ये जो लेक है इट्स इन अ वाई शेप, सी, और हमारी सिटी यहाँ थी, और जो बेलाजियो वो बिल्कुल यहाँ टिप पे है। और कहा जाता है बेलाजियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टाउन इस एरिया में, वरैना से भी सुंदर है कि नहीं वो वहाँ जाके पता चलेगा। फेरी है लेक कोमो के अंदर, और चारों तरफ माउंटेन्स हैं और छोटे छोटे से टाउन्स हैं। वही टाउन है जहाँ हम लोग रुके थे, दैट्स वरैना। और अब जा रहे हैं हम लोग बेलाजियो, जो कि है ऑल द वे उधर, जहाँ सारे लोग खड़े हैं इन दैट डायरेक्शन। चलते हैं उधर, बट उधर जाना है तो पहन लेते हैं मास्क, क्योंकि भीड़ है उधर। पहुँच गए हम लोग बेलाजियो, और बहुत तेज़ धूप हो रही है, टेम्परेचर इज 31 degrees टुडे। पार्किंग मिल गई है और फ्री पार्किंग मिली है, और पूरा लेकिन अब बहुत थोड़ा दूर मिला है मेन टाउन से, तो पूरा ऐसा रोड पे जाना होगा।
और भी लोग हैं जिन्होंने वहाँ ऐसा पार्किंग किया है, तो वो लोग भी जा रहे हैं एंड वी विल ऑल्सो फॉलो देम। बेलाजियो जो टाउन है वो भी लेक कोमो का एक शोर पे टाउन है, जैसे वरन्ना था। वैसे कहा जाता है कि ये ज़्यादा ब्यूटीफुल टाउन है, इसलिए इसे पर्ल ऑफ लेक कोमो कहा जाता है। वरन्ना भी बहुत सुंदर था, बट क्योंकि ये ज़्यादा फेमस है और बहुत सुंदर भी दिखता है, इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा है। जब भी बेलाजियो टाउन को सर्च करेंगे ना, तो सबसे पहला जो पिक्चर आता है वो एक एली का आता है, जो कि बहुत सुंदर है। बट उसी के बगल में ये एक और एली है, यहाँ थोड़े कम टूरिस्ट हैं और ये भी उतनी ही सुंदर है। तो पहले आपको ये वाली एली दिखाते हैं। यहाँ की जो एलीज है वो बहुत ही लंबी है, पूरी वहाँ से और यहाँ तक है। और ऑफ कोर्स कॉबल भी है, मतलब पेबल्स लगे हुए हैं इसके अंदर। तो ऐसे नॉर्मल फुटवेयर्स तो बिल्कुल मत पहन के आइएगा बेलाजियो में। डेफिनेटली हैव गुड शूज़ लाइक व्हाट आई एम वेयरिंग, ताकि आप आराम से ऊपर नीचे जा सके, नहीं तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। ऐसी सारी जगह, ऐसी एलीज हैं स्टेयर्स के साथ और पूरे ऊपर से नीचे तक आती है, और ये जो है लेके कहा जाती है टूवर्ड्स लेक कोमो। और उधर अगर आप देखेंगे इतनी भीड़ है, और वो लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि फेरी आने वाली है। वैसे लेक कोमो और इन स्टेयर्स के बीच में आता है ये वॉकवे जहाँ मैं खड़ी हूँ, और यहाँ पर हैं बहुत सारे शॉप्स और रेस्टोरेंट्स भी। इतनी गर्मी थी कि ले लिए हम लोगों ने आइसक्रीम, मैंने ली है मैंगो आइसक्रीम एंड सौरभ चॉकलेट। जिलातो कैसे है भैया? जिलातो, फर्स्ट जिलातो नहीं, सेकंड जिलातो, एक वेनिस मिली थी। अच्छी है ये मैंगो आइसक्रीम। खाते खाते मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई, मेरी मम्मी इतना अच्छा मैंगो आइसक्रीम बनाते थे ना। उसके बाद शायद अभी मैंने खाई है, पहले तो हर समर्स में मैंगो आइसक्रीम, हर दिन मैंगो आइसक्रीम। बैठ गए हम लोग चेयर पे आइसक्रीम खाते खाते, अचानक ये चेयर फ्री मिली, हम लोग बैठ गए, क्योंकि इतने टूरिस्ट हैं आज यहाँ पर कि ऐसे चेयर्स फ्री मिलना बहुत मुश्किल है। और इधर है लेक कोमो, और लेक कोमो के जस्ट ऑपोजिट ही था हमारा ये जिलातों का प्लेस जहाँ से आइसक्रीम ली थी। और यहाँ बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेक्स्ट अब करना क्या है हम लोगों को। बहुत वार्म डे है आज, 30+ टेम्परेचर है और इतनी भीड़ है, बट वी वर डिस्कसिंग कि ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्पॉट था आज के लिस्ट में जाने का वो था विला बल्बियानेलो। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, यहाँ पे बहुत सारी मूवीज का शूटिंग भी हुआ है, स्टार वॉर्स का, जेम्स बॉन्ड का, और लेटेस्ट में यहाँ पर जो शादी हुई थी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की, उसके बाद से ये और फेमस हो गया है इंडिया में स्पेशली। बट हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं।
हाँ, वैसे भी हमारे प्लान में था नहीं, लाइक हम लोगों को नहीं था कि हम इस विला को देखने जाएंगे, बट आज मॉर्निंग में सोचा कि ठीक है विल गो टू बलाजियो और बलाजियो से फिर फेरी लेके जाएंगे, बट अभी ऑलरेडी 3 o'clock हो गया है और फेरी से वहाँ पहुँचते में एटलीस्ट 40 minutes हाँ. लगने वाला है और विला को बाहर से देखना बहुत मुश्किल है, सो यू हैव टू गो इनसाइड और अंदर जाने के लिए टिकट तो है ही, प्लस सिर्फ 4:30 पे अगर बंद जाएगा तो हमें ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलेगा, सो इस बार वो विला देखने हम लोग नहीं जा रहे हैं. तो हम करते हैं टाउन को और एक्सप्लोर. यस, सो वी विल स्टिल कीप एक्सप्लोरिंग आवर बेलाजियो जो कि बहुत सुंदर है और दिखाते हैं आपको और नए एलीज. इस अली में भी दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स हैं और ऐसे सुंदर सुंदर से प्लांट्स लगे हुए हैं जैसा यहाँ लगा है, और आगे जाएंगे ना तो ऊपर बालकनी से ऐसे बेल जो जिसे बोलते हैं वो सब गिर रही है तो उसको और भी ब्यूटीफुल बना रहे हैं. वो अली दिखाया था, अगर आपको लग रहा है उसमें भीड़ थी तो अब जो मेन है उसमें आप देखिए कितना भीड़ है. अगर आपको इस एले का पोस्ट कार्ड परफेक्ट पिक्चर चाहिए तो आपको अर्ली मॉर्निंग आना चाहिए, क्योंकि आफ्टरनून में या इवनिंग में तो यहाँ बहुत भीड़ है, तो डेफिनेटली जो वो पिक्चर मिलता है ना, जैसे आप बलाजियो सर्च करते हैं गूगल पे, वो पिक्चर तो आपको नहीं मिलने वाला है. तो इसलिए हमारा टिप है कि अर्ली मॉर्निंग आ जाइए, ये पूरा एली खाली मिलेगा और जितने पिक्चर्स खिंचाना है और जैसा पिक्चर खिंचाना है हो पाएगा. दिस इज़ कॉल्ड फोकाचियो, पिज़्ज़ा टाइप ही होता है बट पिज़्ज़ा से थोड़ा डिफरेंट है, और इसमें है टोमेटोज, अनियन और स्पाइसी ऑयल. लुक्स यम. यप, लेट्स ईट. बॉन अपेटिट. बॉन अपेटिट. टेस्टी है, सॉफ्ट है ये, ऐसा बहुत क्रस्ट उसका जो है, बट देन जो ओनियंस उसमें किए हैं ना थोड़े से सावर, वो अच्छे लग रहे हैं. भूख लग रहा था. दिस इज आवर लंच फॉर टुडे, 4 euros. फोकाचियो खा लिया है और उस फोकाचियो पे ना ऐसा ऑयल लगाया था उसने और अनियंस भी बहुत क्रिस्पी से थे. और अब हम यहाँ इस बेंच पे बैठ के उस फेमस स्ट्रीट पे कर रहे हैं हमारा फेवरेट टाइम पास. People watching. Yes, people watching. हम लोगों को देख रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं. बट हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे बैठ जाओ और लोगों को ऑब्जर्व करते रहो कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं. इट्स अ वेरी गुड टाइम पास. और यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट US से आए हुए हैं. हाँ, जैसे हम लोग डोलोमाइट्स में थे ना, वहाँ पे सिर्फ इटालियंस थे, और बट यहाँ लेक कोबो में काफ़ी US से टूरिस्ट आए. इतना ज़्यादा इंग्लिश सुनने को मिल रहा है ना यहाँ पर. कल तो हमको वरना में एक इंडियन अंकल मिल गए थे मियामी से, और वो अपने बेटे और वाइफ के साथ है. बेटा वाज डेंटिस्ट, उन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हम लोगों को. आराम से 15 मिनट बातचीत की हम लोगों ने, तो वो भी US से ही आए थे. बट इस वीडियो को हम करते हैं यहीं एंड. आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो डू सब्सक्राइब. तो नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का होने वाला है? हम लोग यहाँ से जाएंगे हमारी नेक्स्ट और लास्ट डेस्टिनेशन हमारी इटली ट्रेवल सीरीज की, एंड दैट विल बी मिलान. मिलान, सिटी ऑफ फैशन. तो आप देखते रहिए हमारी ट्रैवल सीरीज और हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं मिलान में. एंड मिलान इज क्लोज टू माई हार्ट एज वेल, क्योंकि मैंने वहाँ ऑलमोस्ट 2 साल काम किया है. सो देखते रहिए ये ट्रैवल सीरीज. टिल देन, बाय बाय.